हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद वन न्यू वीडियो। सो माय नेम इज सत्यम भसीन, चैनल का नाम है टेक्निकल सांबा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए JBL कंपनी का ट्यून 215 BT प्योर बेस वायरलेस हेडफोन, जिसकी अगर ब्रांडिंग की अगर हम लोग जल्दी से बात करें तो वो है गाइस डेयर टू लिसन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इसी हेडफोन के बारे में हम लोग जल्दी से बात करने वाले हैं। गाइस, अच्छा है कि बुरा है, रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, सारी चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली है। मेरा फ्लो थोड़ा फास्ट है गाइस, क्योंकि मैं रैपर बनना चाहता था बट बन गया हूँ रिव्यूअर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करेंगे। आप लोगों को वो चीज़ पसंद आती है कि नहीं, मतलब फास्ट वाला खेल, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा मैंने खेला वो खेल आपके साथ। तो जल्दी से हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग को करते हैं गाइस, इधर से स्टार्ट। इसमें ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, पहले मैंने आपको बता दिया। बॉक्स पे बहुत सारी ज्ञान भरी बातें हैं जो कि आप लोग खुद पढ़ लेना बाई करने के बाद। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अंदर से जो चीज़ें मुझे लगता है कि काम की वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। पीछे की तरफ प्राइस बता दूं, 3,000 रुपये लिखा है, लेकिन अमेजोन पे आप लोगों को कितने का मिलेगा, 1,400 रुपये का। यहाँ पर बहुत सारी ज्ञान भरी बातें। बॉक्स करते हैं साइड में गाइस, इस तरफ आते हैं तो अंदर की तरफ यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड देखने को मिल जाता है, जिसमें काफ़ी बातें हैं लेकिन पढ़ना बिल्कुल भी नहीं, वरना आपको शर्म आ जाएगी पढ़ते पढ़ते। अंदर की तरफ एक हम लोगों को वारंटी लिखी हुई है, जिसमें मतलब एक साल की मिली है, बट अगर आप लोग इसमें एक स्कैन करने के लिए जो कोड है उससे स्कैन करके इनकी वेबसाइट पे डालते हैं तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाएगी आप लोगों को। तो 1.5 साल की वारंटी दे देता है JBL, काफ़ी अच्छी वारंटी दे रहा है यार, ऐसा कैसे दे सकता है, मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को हेडफोन अपना लगा हुआ आ गया था इसके अंदर, जो कि मैंने गले पे पहना है, जिसको अभी मैं आपको बताऊँगा कैसा है, क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर बगल में देखते हैं तो एक हम लोगों को सी टाइप की केबल देखने को मिल जाती है, स्लॉट, वहाँ पर सी टाइप की केबल आई थी जिससे हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं। और थैंक यू JBL, आपने सी टाइप की केबल दी जिससे हम लोगों को मज़ा आ जाता है चार्जिंग करके। इसके बाद हम लोग पसीने को साफ करते हैं अपना और आप आते हैं अपने मेन हेडफोन की तरफ। तो इस तरीके से हेडफोन को हम लोगों ने उठा लिया है, काफ़ी ये अच्छा है हेडफोन। अब वायर की बात करते हैं सबसे पहले गाइस, तो वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, नो स्टिफनेस, नो बकचोदी, सीधी वायर, मज़ेदार वायर। और यहाँ पर हम लोग जल्दी से देखते हैं गाइस, तो इस तरफ हम लोगों को एक अलग टेक्सचर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ की वायर की बात करें तो वो भी काफ़ी सही है गाइस, पतली वाली वायर नहीं दी है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। JBL थैंक यू गाइस आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो वायर की क्वालिटी मैं कहूँगा कि 10 में से 9 नंबर दे सकते हो आप वायर की क्वालिटी को। इस तरफ आते हैं बड्स की तरफ, जो आपके कान के अंदर जाएंगे तो काफ़ी सही देखने को मिल जाता है डिज़ाइन। यहाँ पर लेफ्ट राइट का सिंबल देखने को मिल जाता है, लेफ्ट लिखा है जिस पे। इस तरफ JBL का लोगो देखने को मिल जाता है, इस तरीके का डिज़ाइन है, आप लोगों ने इसको एप्पल में देखा होगा। तो थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज किया गया है गाइस, मतलब पूरा वैसा ही नहीं रख दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है इन लोगों ने। इस तरफ की तरफ जल्दी से हम लोग देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर एक हम लोगों को बैटरी देखने को मिल जाती है, जिस पे JBL का लोगो देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ ज्ञान भरी बातें देखने को मिल जाती हैं लिखी हुई, जो पढ़ना बिल्कुल भी मत, आप भी, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। इस तरफ देखते हैं गाइस, तो हम लोगों को यहाँ पर एक वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने का बटन, पावर ऑन ऑफ करने का बटन, और साथ ही में कॉल को कनेक्ट डिसकनेक्ट करने का बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस तरफ देखते हैं तो एक लाइट, लेज़र लाइट टाइप की छोटी सी लाइट, LED लाइट टाइप की देखने को मिल जाती है, जिसमें ब्लू कलर की लाइट जलती है जब आप इसको यूज़ करेंगे, जब चार्ज करेंगे तो रेड कलर की लाइट जलेगी गाइस इसमें। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एक JBL का और लोगो देखने को मिल जाता है, बगल में माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, जब आप लोग इससे कॉल करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा कॉल करने के टाइम, तो कॉल में कोई इशू नहीं आता, मज़ा आ जाता है कॉलिंग के टाइम पे, वो आपको रिव्यू में बता दूंगा गाइस। यहाँ पर एक चार्जिंग करने का स्लॉट और देखने को मिल जाता है। ये था मेन हमारा हेडफोन, गले में इस तरीके से पहनेंगे आप और इस तरीके से आप लोगों को इसका लुक देखने को मिल जाएगा। फ्लो मेरा फास्ट है, हेडफोन थोड़ा स्लो है, तो वो मजाक था, साइड करते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं ताकि गले में इस तरीके से आपके आ जाए। अब हम लोग जल्दी से गाइस इसका रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू में पहले हम लोग अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे गाइस। तो अच्छाई क्या है यहाँ पर गाइस, आगे की तरफ जो इसमें जैक दिए गए हैं थोड़े से हैवी हैं, जिनको आप लोग अपने ईयर में लगाते हैं जब आप मान लीजिए रनिंग करने जा रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं गाइस, तो ये आपके कानों से बाहर नहीं आते हैं और आपको अच्छी क्वालिटी देते हैं। साउंड क्वालिटी की गाइस हम लोग अगर बात करें तो प्योर बेस्ट साउंड क्वालिटी, मस्त साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग गेमिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि जैसे लेफ्ट से आ रहा है बंदा कि राइट से आ रहा है, तो काफ़ी सही साउंड क्वालिटी देखने को मुझे मिली। चार्जिंग की अगर गाइस बात करें, अगर आप लोग इसको 1 घंटा चार्ज कर लेते हैं तो आप लोगों को ये कम से कम 3-4 घंटे का
दे देगा पावर बैकअप। अगर 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आराम से आप लोग इसको 40 से 45 मिनट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको 4 घंटे या 5 घंटे चार्ज कर लेते हैं तो आराम से 10 घंटे के ऊपर यूज़ करिए। तो मैंने इसको 4 घंटे अगर एक दिन चार्ज किया था तो आराम से ये गाइस 2-3 दिन चल गया था। 2-2 3-3 घंटे के स्लॉट में चलाते हैं गाइस, क्योंकि कंटिन्यू तो आप भी नहीं यूज़ करेंगे तो मज़ा आता रहता है। तो ये था जो कि मैंने आपको बता दिया ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी। अब इसकी गाइस हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज कौन से या बुराइयों के बारे में। तो मेरे को जो देखने को यहाँ पर मिला, सबसे पहला बुरी चीज़ कि इन्होंने यहाँ पर ये छोटा सा स्लॉट दिया है जिससे आप लोग इसको ऐसे जोड़ के यहाँ पर गले में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्राइस रेंज में 1400 रुपये में मैग्नेट देना चाहिए गाइस, मैग्नेट नहीं दिया है, जो कि बहुत बुरी चीज़ देखने को मिली। तो पहली चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर मैग्नेट नहीं है। इसके बाद दूसरा अगर बात करें गाइस, तो इस प्राइस रेंज में 1400 रुपये में आजकल बहुत सारे हेडफोन आ रहे हैं गाइस, इससे भी अच्छे अच्छे 800 900 700 रुपये में भी मिल जाते हैं गाइस। तो वो आप लोग अगर बाई करेंगे तो साउंड क्वालिटी उसमें भी अच्छी है, तो साउंड का क्या करना है, चार डालना है नहीं, लेकिन साउंड मतलब प्राइस रेंज मुझे काफ़ी हाई लगा इसका गाइस। 1400 रुपये सेल में आपको 1100 या 1000 रुपये में मिल जाएंगे, दिवाली की सेल में बाई कर लेना अपने आप सेल में गाइस। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वायर अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब आप लोग अगर इस प्राइस रेंज में ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। बाकी मैंने जो मुझे सही लगा गलत लगा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ 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 लाइक कर देना गाइस, क्योंकि मैंने अपने फ्लो को फास्ट रखते हुए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए 7.5 मिनट में ये वीडियो को ख़त्म करने का ट्राई किया, उससे भी पहले ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।